हेलो जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, क्या हाल चाल है? ठीक हो? तो गाइज, आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है अभी मजा आएगा ना भिड़ो, क्योंकि मैं आज के ब्लॉग में आप लोगों को देने वाला हूँ अपनी फैक्ट्री का टूर। तो फैक्ट्री जो है वो यहाँ से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर है, ठीक है? तो फैक्ट्री मैं जा रहा हूँ, ठीक है? तो अभी वहीं जाके मिलता हूँ आप। आप लोग देख सकते हैं तो गाइज, अभी हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो ट्रॉले खड़े हैं, ठीक है? और इस साइड पे कुछ पौधे लगे हुए हैं। ये जी सबसे मेन चीज़ वॉशरूम, सबसे काम की चीज़ है। और अगर हम इससे थोड़ा सा इधर आ जाएं तो हमें मिल जाता है ये कमरा, जहाँ पे कोई कबाड़ वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ जो ज़रूरत की ना हो वो यहाँ पे पड़ी हुई होती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग फुल व्यू चेक कर सकते हैं फैक्ट्री का। तो गाइज, वो कमरे के बाद हम लोग ज़रा और थोड़ा सा लेफ्ट में आते हैं तो हमें ये पूरा एक किस्म का खाली जगह मिल जाती है फैक्ट्री की, जिसके हम अंदर यहाँ पे बनौला वगैरह सुखाते हैं। और सामने ये आप लोग देख सकते हैं दो बैरिंग्स हैं, मतलब दो गोदाम जहाँ पे हम लोग स्टॉक करते हैं खल का। और अभी हम लोग चलते हैं आगे। तो गाइज, अभी इस कमरे में आने के बाद ये देख सकते हैं आप लोग के यहाँ पे 4 अरद मशीन्स लगी हुई हैं, जिसके अंदर बनौला आके उसके बाद इसके अंदर खल बनती है। और इसके साथ ही हमें एक रूम मिल जाता है जहाँ पे इन मशीन्स का सामान पड़ा हुआ है। और ये आप लोग यहाँ से व्यू चेक कर सकते हैं। अभी इस कमरे के बाद हम अब सीढ़ियों के मदद से हम ऊपर जा रहे हैं। और ऊपर भी एक रूम है जहाँ पे इन मशीनों के अंदर बनौला वगैरह जाता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, एक मशीन, ये दूसरी मशीन, ये तीसरी मशीन, और अभी चौथी मशीन का जो है ये देखें निशान लगाया हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे होल नहीं किया, तो अभी उसका भी होल करना है, ठीक है? चौथी मशीन क्योंकि फिट हमने बाद में की थी, पहले 3 मशीन्स लगी हुई थी, तो चौथी मशीन हमने फिट बाद में की है, तो अभी उसका भी काम चल रहा है, फिटिंग उसकी हो रही है, ठीक है? और इंशाल्लाह ये 2 से 3 माह के अंदर फैक्ट्री रन कर रहेगी, और उसका भी टूर आपको देंगे कि फैक्ट्री कैसे चलती है कैसे नहीं। इस कमरे के बाद हम लोग ये बाहर आ रहे हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक गोला पड़ा हुआ है, गोले को उर्दू में कहते हैं, मतलब एक टैंकर पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर हम लोग ऑयल रिफाइन करते हैं, और ऑयल रिफाइन होने के बाद इन टैंकरों के अंदर चला जाता है, 1, 2, 3 इन टैंकरों के अंदर। फिर जब फैक्ट्री रन करती है तो इन टैंकरों के अंदर हम लोग ऑयल स्टॉक करते हैं, और उसके बाद हम लोग इनको आगे बेचते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि ये 3 अदर टैंक पड़े हैं, तो एक टैंक ये है नीचे से, और एक टैंक ये है, और एक इसकी बैक साइड पे है। और आप लोग ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे होती है मेल स्टॉक, ये मेल की जगह है जिससे साबुन वगैरह बनता है, और ये भी हम लोग सेल करते हैं आगे। और अगर हम इस साइड पर आ जाएँ तो इस साइड पर एक छोटी सी गैलरी है, और यहाँ पर एक छोटा सा दरवाज़ा लगा हुआ है। और इस साइड पर ये जो किचन है, यहाँ पर किचन में खाना वगैरह नहीं बनता, सिर्फ ओनली चाय वगैरह या दूध वगैरह गर्म होता है, खाना वगैरह होटल से आता है यहाँ पे, ठीक है? और अगर हम इस साइड पे और आ जाएं तो यहाँ पे एक और रूम है जिसको भी आप लोग देख सकते हैं, ताला लगा हुआ है। ये ताला सारी फसाद की जड़ है, जो कि खुल नहीं रहा अभी, इसकी चाबी पता नहीं कहाँ पे, कहाँ पे नहीं। इधर ये किचन है, इसके साथ भी एक रूम है जिसको वही मसला, ताला लगा हुआ है, इसकी भी चाबी नहीं है मेरे पास। तो अभी हम इधर आ जाएं तो यहाँ पे एक अगर ट्यूबवेल जहाँ पे ठंडा ठंडा पानी आता है, और
गर्मियों में अक्सर मैं नहाता हूँ आके यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं ये कितना, इसकी कितनी गहराई है। और अगर हम इधर आ जाएं तो ये देख सकते हैं आप लोग, मेरा शेरू खड़ा है यहाँ पे, और ये दो ऑफिस हैं यहाँ पे, एक ये ऑफिस है और एक ये ऑफिस है। ऑफिस मेन ये है, ये तो सिर्फ बेडरूम है, अगर रात को किसी ने आके यहाँ को मेहमान आ जाए तो ये यहाँ पे सो सके। और अगर आप इधर देखें तो ये ट्रैक्टर खड़ा है, ठीक है। और अगर हम इस साइड पे देखें तो देख सकते हैं ये बरामदा है, ठीक है। और ये रूम मैं आपको अंदर से विजिट करवाता हूँ, तो अंदर से रूम ऐसा है कुछ, ये दो डबल बेड लगे हुए हैं और एक ये सिंगल बेड, और ये एक चौरी साहब लगे हुए हैं, कोई ठंड कर देते हैं, ये भी कोई अच्छी खासी ठंड अभी देख लेते हैं, अब 24 पे चल रहा है। और साथ में एक अदद विंडो एसी लगा हुआ है, विंडो एसी पहले का लगा हुआ है और ये हमने बाद में उतार के लगवाया है विंडो के साथ, ये बाद में लगा है, अभी कुछ मेरे ख्याल एक से दो माह हुए लगे। जैसा कि आप लोगों को मैंने कुछ देर पहले बताया था कि इस रूम का टूर, दोनों रूम का मैंने देना है, ठीक है, तो इस रूम का मैंने आपको टूर दे दिया था और अभी इस रूम में चलते हैं। तो गाइज ये जो है ये मेन ऑफिस है, यहाँ पे बाबा बैठ के काम करते हैं, ये जो मेन ऑफिस है, ठीक है, अभी आप लोगों को ऑफिस का टूर देते हैं। तो गाइस अभी इस साइड पे देख सकते हैं आप लोग, फैक्ट्री में कैमरे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे बैठ के हम लोग देख सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है फैक्ट्री में बैठ के। तो ये जैसे आप लोग देख सकते हैं ये मेन कैमरा, और ये देख सकते हैं आप ये पूरा व्यू यहाँ से आ रहा है। उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर आज का ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। भाई को दुआ में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।